कहाँ हो अविनाश, फोन क्यों नहीं लग रहा तुम्हारा? चिल मारो दीदी, लग जाएगा। नहीं लग रहा ना, कल रात से ट्राई कर रही हूँ, एक बार भी फोन नहीं लग रहा। आई जस्ट होप कि सब ठीक हो। अब लगा? नहीं। अभी? नहीं। अब तो लग गया होगा। शगुन इरिटेट मत कर, तू एक काम कर, बाहर जा, उठ। दीदी, दीदी, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट AJ374 एयरजेट का विमान लापता है। सुबह 2:30 बजे आखिरी बार विमान का संपर्क हवाई यातायात नियंत्रण के साथ हुआ था। उसके बाद विमान का संपर्क टूट गया। दिल्ली और लंदन के विमान विशेषज्ञ और अधिकारियों की कमेटी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। यात्रियों के परिवार के लिए हेल्पलाइन नंबर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर है 542-4876, 542-4876। नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। अविनाश ने बड़ी सफाई से रिया और उसके परिवार को धोखा दिया और रिया से शादी कर ली। पर रिया अकेली नहीं थी, उसका शिकार कोई और भी था। उसके बाद विमान का संपर्क टूट गया। दिल्ली और लंदन के विमान विशेषज्ञ और अधिकारियों की कमेटी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। यात्रियों के परिवार के लिए हेल्पलाइन नंबर दी गई है। नमस्ते बाबा। कैसे हो बेटा? बस ठीक। आरुषि, देखो कौन आया है। आई बाबा। आरुषि, कैसे हो? अरे मोहित, बहुत दिन लगा दिया बेटा। ऑफिस के सारे मामले सुलझ गए ना? जी बाबा, सब मामले सुलझ गए, सब ठीक हो गए। इसलिए तो अपनी बीवी को लेने आया हूँ। अब बस 6-7 दिनों में हम लोग वापस चले जाएंगे। फोन भी नहीं लग रहा है, बिजी आ रहा है। दीदी, हेल्पलाइन नंबर लग गया। हेलो हेलो, फ्लाइट नंबर AJ374 में अविनाश गांव के पैसेंजर थे, उनकी उनकी कुछ स्टेटस कुछ बताइए ना प्लीज। लाइन होल्ड कीजिए मैडम, नाम क्या बताया आपने? अविनाश गांवकर AJ374। सॉरी मैडम, इस नाम के किसी भी पैसेंजर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या हुआ? बोल रहे अविनाश उस फ्लाइट में था ही नहीं। अरे मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, ये तो पुणे से पेरिस की फ्लाइट थी, हम तो US जा रहे हैं। और फिर हाथ से कहां नहीं होते, ऐसे में इंसान जीना तो छोड़ नहीं देगा। और आप लोग चिंता मत कीजिए, आरुषि मेरे साथ है, एकदम सेफ है। मोहित बैठो ना। हाँ। चाय नाश्ता करें। जी, जी, जी। Yeah, I know. हाँ पर दीदी, मैंने पूरी लिस्ट चेक कर ली, उसमें कहीं भी जीजू का नाम है ही नहीं। या चलो मैं घर आके बात करती हूँ। जीजू, जीजू भाई एक सेकेंड रुकिए ना। जीजू, 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 ऐसा कैसे हो सकता है? हमने ही उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा था ना। छोड़ा था, लेकिन हो सकता है कि वो कभी उस फ्लाइट में चढ़े ही नहीं। हो सकता है कि उन्होंने कभी वो फ्लाइट बुक ही नहीं की, इसीलिए पैसेंजर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। लेकिन बेटा हो सकता है तुम्हें धोखा हुआ हो। नहीं माँ, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, आई एम श्योर कुछ गड़बड़ है। We'll be right back.
हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ बेटा? मम्मी जी मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको क्या बताऊं? शादी की पहली रात मेरे लंदन वाले घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि मेरे फ्लैटमेट ने अपनी फ्रेंड को मोलेस्ट किया और उस लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, क्योंकि वो घर मेरे नाम था। तो पुलिस ने पूछताछ के लिए मुझे बुलाने के लिए षड्यंत्र रचा। मैं जैसे एयरपोर्ट पहुंचा, मुझे इंडियन पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और दूसरी फ्लाइट में बिठा दिया और मेरे नाम की एंट्री वाइप ऑफ कर दी। लंदन जाते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया और बहुत सारी गारंटी और जुर्माना भरने के बाद मुझे रिहा किया गया और इंडिया आने की परमिशन दी। मैं बर्बाद हो गया रिया। I'm just finished. अब सब हम बाद में देख लेंगे। आप सही सलामत हैं, यही हमारे लिए बहुत है। देखो बेटा, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ उससे अच्छी नौकरी मिलेगी। पैसे और घर की बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। जी पापा, मैं कितना लकी हूँ जो मुझे आप जैसे इन्वॉइस मिले। आज आप प्लाजा रोड पर क्या कर रहे थे? प्लाजा रोड वहां मैं क्या करूंगा? मैंने आज आपको वहां देखा। शकुन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तो जस्ट अभी आया। I don't know why you're lying, जीजू। आप झूठ क्यों? शकुन बहुत हो गया, तू पागल हो गई है क्या? तू उनकी हालत नहीं देख रही, कितना थक गए वो, तू जान दे। एक शिकार तैयार। शगुन का मैसेज जिनको, वो भी इस वक्त? सॉरी मैंने आप पे शक किया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आई विश मैं आपसे पहले मिली होती तो शायद हम दोनों बहुत खुश होते। वेलकम बैक। टेंशन में लग रहे हो, कोई बात परेशान कर रही है? परेशानी तो है रिया, कुछ काम की और कुछ खैर छोड़ो। अविनाश, आई नो आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको इस घर में किसी चीज की भी कमी हो तो प्लीज मुझे बताइए। रिया, कल रात से तुम मुझसे एक ही सवाल पूछ रही हो। देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटी सी टेंशन है, वो भी अगर तुम एक स्माइल कर दोगी तो चली जाएगी। पक्का? आप मुझसे कुछ और तो नहीं छुपा रहे?
तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुमसे भला क्यों कुछ छुपाऊंगा। और वैसे भी अभी मुझे तुम्हारी टेंशन की नहीं, तुम्हारे गुड लक की जरूरत है। अरे मैं लेट हो रहा हूं, रेडी हो जाता हूं। ओ नो, इस शर्ट पे स्टेन कैसे लग गया? गॉड, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी, और ये ब्रांड यहाँ इंडिया में मिलेगा भी नहीं। नहीं, ये ब्रांड तो मिलता है पास ही के मॉल में। मिलता है? हाँ, मैं लेकर आ जाऊंगी शाम तक। लेकिन रिया, तुम्हें इतना टाइम कैसे मिलेगा? तुम सारा दिन इतना बिजी रहती हो। शाम को 4-5 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी, तब लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। शगुन, ठीक से सोए कल तू? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही, वो कल थोड़ा परेशान थी ना। अच्छा सुन, तू मेरे साथ मार्केट चलेगी? नहीं दीदी, आज नहीं, आज बिजी हूँ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें ये समझाने के लिए कि उस दिन तुमने जिस लड़की को देखा था वो शायद कोई और थी। नहीं जीजू, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके इस झूठ को सच मान लूंगी। उस शाम मेरी दीदी की जगह आपके साथ कोई और थी, और आप कोई लंदन वंदन नहीं गए थे, आप यहीं थे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता, अपनी बहन का बना बनाया घर ऐसे मत बिगाड़ो प्लीज। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं? समझाना तो आपको पड़ेगा, और आपके इस नकाब के पीछे छुपा घिनौना चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। नहीं देखो, देखो लिसन, मैं कैसा रहा दिन तुम्हारा? जी ठीक था। बहुत थके हुए लग रहे हो बेटा। आओ बेटा बैठो। कैसा रहा इंटरव्यू? जी ठीक था। गुड। ये देखो रिया भी आ गई। पापा जॉब तो मिल गई। गुड। वो सिंगापुर वाली? जी। कांग्रेचुलेशन। बधाई हो बेटा। शगुन भी आ गई। शगुन, बड़े अच्छे मौके पे आई, तेरी जीजू को सिंगापुर की जॉब मिली है, बधाई दो बेटा उन्हें। बधाई तो मैं तब दूंगी जब आप अपना ऑफर लेटर दिखाओगे। कहाँ थी पूरा दिन तू? बोला तो था बिजी हूँ। तसल्ली बेटा, तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली है फिर ये चेहरे पे मायूसी क्यों? पापा आप तो जानते हैं कि बैड लक मेरे साथ साये जैसे चल रहा है। अब इस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए मुझे इस कंपनी की एकेडमी से एक कोर्स करना पड़ेगा, और उसकी फीस है कुछ $10,000। और आप जानते हैं कि इस समय मेरे क्या हालात चल रहे हैं। ये नौकरी भी गई हाथ से। देखो बेटा, तुम उसकी फिक्र मत करो। $10,000 यानी करीब 6.5 लाख रुपए। जी देखो, हमने शगुन की शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, वो भी तुम्हारे काम आ जाएंगे। नहीं नहीं पापा, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे और पैसे नहीं ले सकता, ऑलरेडी बहुत ले चुका हूँ, और वैसे भी इन पैसों पे शगुन का हक है। अरे बेटा, शगुन पराई थोड़ी है, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी। एक बार तुम सेटल हो जाओ, उसमें शगुन की भी खुशी है ना बेटा।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शकुन, मैं तुम्हें सफाई देना चाहता था। तो साफ साफ बताइए कि आप ये खतरनाक खेल क्यों खेल रहे हैं? क्या चाहते हैं आप मेरी दीदी से, मेरे पेरेंट्स से? तुम्हारी दीदी से मैं प्यार करता हूँ, शादी की है मैंने उनसे। ये ड्रामा आप मेरे सामने तो मत करिए। ये ड्रामा नहीं है शकुन, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझो। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। देखो ये पाप है, मैं तुम्हारा जीजू, तुम ये गलत कर रहे हो, हटो यहाँ से। क्या है ये तुम? दीदी, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। दीदी, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो लिहाज कर तू, बहुत दिनों से तेरी बदतमीजी देख रही हूँ मैं। लेट नाइट मैसेज करना, कॉफी शॉप में मिलना, तुझे मेरा ही पति मिला था। नहीं दीदी, आप सुनिए, मुझे घिन आती है तुझे अपनी बहन कहने में। ऐसा मत करो दीदी, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, शैतान है। इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, ये हम सबको फंसाना चाहता है। बहुत हो गया, बस बस रिया। क्या मम्मी, आप प्लीज दीदी को समझाने की कोशिश कीजिए, ये आदमी हमें धोखा दे रहा है। मुझे इसकी सच्चाई मालूम है मम्मी। ये क्या है सब? देखिए मम्मी जी, मैं कई दिनों से इनके शक को नजरअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और मुझे ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पे मेरा रहना मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं और रिया दोनों ही बहुत ही जल्द सिंगापुर के लिए रवाना होंगे, और प्लीज हमें कोई रोकेगा नहीं। प्लीज मैं जा रहा हूँ। अरे टिकट और वीजा का अरेंजमेंट करने, रिया तुम प्लीज सामान पैक करके रखो। दीदी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। दीदी प्लीज, दीदी अपना ध्यान रखना, मैं वहां पे पहुंच के फोन करूंगी। ओके पापा, अपना ध्यान रखना। आपके पास कंपनी का नंबर है ना पापा? हाँ बेटा है, अब तुम लोग खुशी खुशी जाओ। थैंक यू, चले। दीदी 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 प्लीज ट्रस्ट मी, दीदी जाने से पहले मेरी बात सुनते जाइए। दीदी प्लीज प्लीज। तुम यहां रुको, मैं एक कॉफी लेके आता हूं। हेलो, अगले 5 मिनट में काम हो जाएगा। ये लो कॉफी, जल्दी पियो वरना लेट हो जाएंगे। बताना चाहेंगे कि दहेज मांगना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है। रिया और उसके माता पिता अविनाश के प्रति सच्चा प्रेम दिखा रहे थे, पर वो उन्हें धोखा दे रहा था। उसका मकसद साफ था, उसे पैसा चाहिए था, और पैसा, और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो उनसे और दहेज मांगने की फिराक में था। लेकिन शगुन उसके रास्ते का कांटा बन चुकी थी और वो इस कांटे को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो क्या होगा अविनाश का अगला कदम, क्या होगा रिया का? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए कल का हिस्सा जरूर देखिएगा इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए सावधान रहिए।